हरियाणा के बहादुरगढ़ से इनेलो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी प्रदेश अध्यक्ष पर जानलेवा हमले की खबर सामने आई है। कल यानी 25 फरवरी को बहादुरगढ़ के इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष और बहादुरगढ़ के पूर्व विधायक नफे सिंह राठी की कुछ बदमाशों ने गोलियां मारकर हत्या कर दी। इस हमले में नफे सिंह राठी के साथ एक और व्यक्ति की जान चली गई। साथ ही इस जानलेवा हमले में कई और लोगों के घायल होने की भी खबरें सामने आ रही हैं। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। मैं हूं सपना और आप देख रहे हैं प्रदेश। दरअसल रविवार शाम को बहादुरगढ़ के बराही फाटक से इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह की कार गुजर रही थी। अचानक वहां I-10 गाड़ी में सवार कुछ बदमाश आए और वहां से गुजर रही नफे सिंह की गाड़ी पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगे। इस हमले में नफे सिंह के साथ कार में मौजूद और भी लोग थे जिनको गोलियां लगी हैं, जिसके बाद उनके गनमैन और ड्राइवर को गंभीर अवस्था में ब्रह्मा शक्ति संजीवनी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। इस हमले में नफे सिंह राठी के साथ मांडोड़ी गांव के जय किशन की भी मौत हो गई। वहीं इस पूरी घटना को लेकर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए मौजूदा हरियाणा सरकार पर निशाना साधा है। इस घटना पर नफे सिंह राठी के परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने एक्स अकाउंट से ट्वीट कर लिखा, हरियाणा में इनेलो प्रदेश अध्यक्ष श्री नफे सिंह राठी जी की गोली मारकर हत्या करने का समाचार बेहद दुखद है। दिवंगत आत्मा को मेरी श्रद्धांजलि व परिजनों के प्रति गहरी संवेदना। वहीं सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इस घटना ने स्पष्ट कर दिया कि कानून व्यवस्था का दिवाला पिट चुका है और प्रदेश में आज कोई भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहा है। इस पूरी घटना पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का कहना है कि मैंने अधिकारियों से इस मामले में तुरंत कार्रवाई करने को कहा है। STF भी हरकत में आ गई है, घटना की जांच की जा रही है। दुखद घटना है और नफे सिंह राठी मेरे साथ भी विधायक रहे हैं। मैंने सारे अधिकारियों से बात की है और उनको कहा कि भाई इस पे तुरंत कार्रवाई करें। STF को भी हमने लगाया है तो मुझे उम्मीद है पुलिस जल्दी कार्रवाई करेगी। इसमें क्या मामला? अब सारा इतनी जल्दी बताना ठीक नहीं है, सारी चीजों का पता कर रहे हैं और उसके बाद ही बता। वही हरियाणा INDL प्रमुख ने नफे सिंह राठी पर हुए हमले की सूचना पर कहा कि हमें फायरिंग की एक घटना की सूचना मिली। CIA और STF की टीमें काम कर रही हैं, आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये गोली चलने की सूचना मिली है और इसमें हमारी सारी CIA की टीम्स और STF जो है कार्य कर रही है और जो भी इसमें आरोपी है उनको शीघ्र अरेस्ट किया जाएगा। किनको लगी है सर गोली? क्या अभी मैं इसमें बिल्कुल स्पष्ट नहीं कह पाऊंगा, तो अभी तो एक बार हम इसको जो है एक बार उनको जो भी आरोपी है उनको अरेस्ट करने में लगे हुए। कोई एक्सपर्ट भी है वहाँ सर? अभी मैं मेरे विषय में अभी मेरे नॉलेज में कुछ आया नहीं और जैसे ही आता है तो फिर आपको अपडेट करूंगा। हमलावरों के बारे में कुछ लगी हुई है हमारी टीम जो है तो जल्दी अरेस्ट। वही घटना में घायल हुए व्यक्तियों के अस्पताल में गंभीर हालत बनी हुई है, सभी का उपचार चल रहा है और मामले की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। आप ऐसे ही देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ प्रदेश तक पर। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर और हाँ यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें।